हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, कल के दिन में यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए थे और हर एक अच्छा खासा हमें यहाँ पर जिसे कहते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन भी एकदम बेहतरीन रहा है। मैंने आपको बताया था आईटी में आएगी बाहर, ओके। और आज आईटी के अगर स्टॉक्स देखेंगे, हर एक स्टॉक्स यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है और आईटी जिस तरीके से डाउनग्रेड हुआ था उसी तरीके से भागता हुआ भी नजर आएगा। सेम एज इट इज यहाँ पर सोना BLW रैपको होम बोला था 4-5%, ये भी ऊपर है, ओके। एज वेल एज यहाँ पर एक और वीडियो यहाँ पर बनाई गई थी जिससे रिलेटेड हमने बातें करी थी, SBI कार्ड, तो वैसे ही सेम होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब क्या करना है, अब हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है JP Morgan। JP Morgan में यहाँ पर बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर नजर आती है। मैंने ये शेयर ऑलरेडी अभी बाई कर लिया है, तो पहली बात डिस्क्लेमर है, ये बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मेरे पास ये शेयर है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई पोजीशन लीजिएगा। वीडियो बताने का मकसद क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ अच्छी पॉजिटिविटी मुझे नजर आती है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे, उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, लाइक जरूर करिए क्योंकि काफी लोग लाइक नहीं करते, तो इसकी वजह से ये बस हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है और कुछ नहीं। और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाना, बस एक बटन दबाना है, कोई पैसे नहीं देने आपको किसी तरीके से। और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है बट बेल आइकन को हिट नहीं कर रखा, तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोज जाए उनके पास, तो वीडियो देखेंगे तो शायद कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जो आपको यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना के दे दे। तो देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक स्टॉक्स भी बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखिए ये तो 11 महीने पहले 33 रुपये बताया था, ओके। इसके बाद मैंने आपको दोबारा बताया था ये स्टॉक सुनील हेल्थ केयर, एक बार डाल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी बताया था 68 पे, दोबारा बताया था और 150 का टारगेट बताया था, और आज की डेट में अगर मैं आपको दिखा दूं ये स्टॉक्स तो कहाँ चल रहा है वो आप खुद देख लीजिएगा, और हमारे टारगेट अचीव होंगे या नहीं खुद देख लीजिएगा। तो शेयर चल रहा है 121 पे, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर आपको कुछ भी चीज बता रहा हूँ तो देखिए आंख बंद करके नहीं बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ उसके पीछे का रीजन है, उस वजह से बता रहा हूँ, और उसी वजह से यहाँ पर शेयर भागते हुए नजर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको भारत वायर बताया था, तो भारत वायर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये शेयर लगभग बताया था, ओके, इसके बाद आप देखेंगे लगभग 44% के रिटर्न यहाँ पे मिल चुके हैं। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी, ओके। और ऐसे ही शेयर में आज आपको बता रहा हूँ JP Power, जहाँ पर बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जेपी पावर करता क्या है, जेपी पावर का काम है सिंपली यहाँ पर जैसे कि पावर में सेक्टर में है तो पावर से रिलेटेड काम है। जेपी पावर वेंचर लिमिटेड इज इंगेज इन द जनरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग हाइड्रो थर्मल सीमेंट ग्राइंडिंग कैपेबिलिटी को कैप्टिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो यहाँ पर ये पावर से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आप जाके एक बार देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि वी आर इन द इंडियन पावर कंपनी, और किस तरीके से ये अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं वो एक बड़ी बात है। ग्रुप कंपनीज की बात करें तो इनके हॉस्पिटल्स भी है, होटल्स भी है, रिसोर्ट भी है, तो एक बड़ा ग्रुप है, छोटी मोटी ग्रुप नहीं है, ओके। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना होगा। एज वेल एज यहाँ पर इनके बिजनेस मॉडल देख लीजिए, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से पावर जनरेट करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं पावर जनरेशन का सिस्टम सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। एक बार इनकी वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको यहाँ पर सब कुछ पता चलता हुआ नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। मार्केट कैप देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, क्या है स्मॉल कैप, 5,222 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। तो यहाँ पर चार्ट भी कैसा होगा, ऊपर से नीचे इस तरीके से यहाँ पर चार्ट पैटर्न होता हुआ नजर आएगा। बट देखिए, कंपनी यहाँ पर कुछ और थी और अब यहाँ पर कुछ और है, और बहुत जल्दी और कुछ होती हुई नजर आएगी। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को अपग्रेड कर रही है। जैसे मैंने बताया, स्टॉक पी 15 का है, इंडस्ट्री का पी 33 का है, तो इससे 15 के पी पे यहाँ पर मिल रहा है। बट इसके बारे में अभी और चीजें जब बताऊंगा तो आप यहाँ पर स्टन रह जाएंगे। इसके अलावा ROC ROE कुछ खास नहीं है। डेट की बात करें, 49% का डेट है कंपनी के पास। प्लेजिंग परसेंटेज 94.16% की यहाँ पर प्लेजिंग है। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर साथ में जुड़े हुए, हाई 11 रुपए का लगाया था,
उसके बाद नीचे आया और बुक वैल्यू 15 रुपए की है, तो इसका मतलब अगर कंपनी अपने आप को बंद कर देती है और सबको पैसे देने लग जाती है तो 15 रुपए तो कम से कम देगी देगी, तो आपका डबल का तो फायदा सीधे यहाँ पर हो गया। इंट्रेंसिक वैल्यू 7.81 की और 7.626 पे ये शेयर यहाँ पर अभी चलता हुआ नजर आ रहा है, तो हर तरीके से यहाँ पर बढ़िया नजर आ रहा है अभी। और एक दो नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पर प्रोमोटर्स ने जो प्रोमोटर्स का 24% के शेयर है वो यहाँ पर रख रखे है, किसके पास, गिरवी रख रखे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए FIs ने लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और FIs की हिस्सेदारी बढ़ाना मतलब पॉजिटिव सिग्नल, तो 2.83% की हिस्सेदारी देखिए इस क्वार्टर में ही बढ़ाई है। DIS की बात करें, DIS ने भी लगा यहाँ पर हिस्सेदारी थोड़ी सी कम करी है, बट स्टिल 23.12% की हिस्सेदारी है। पब्लिक का 50% की हिस्सेदारी है, और यहाँ पर देखिए 50 में से भी 5% की हिस्सेदारी JP के पास है, और महादरा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पास भी यहाँ पर 1.74% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो लगभग 40-45% की हिस्सेदारी ही नजर है किसके पास, पब्लिक के पास। अब बात करते हैं इसमें ऑपरेटर बड़े एक्टिव रहते हैं, ओके, ऑपरेट जब भी करना चाहे तभी यहाँ पर शेयर पे ऑपरेट कर सकते हैं। अब कुछ और चीजें बताता हूँ, देखिए कंपनी के रिजल्ट, कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है, अभी मतलब कोविड आया था तो यहाँ पर नीचे आ गए थे, बट उसके बाद से देखेंगे तो लगातार इनके जो सेल्स है लगातार बढ़ी है, और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो देखिए क्या है, हाईएस्ट एवर है 628 करोड़ रुपीज का। मतलब कंपनी ने अपने खर्चों पे कितना कंट्रोल किया है, मटेरियल कॉस्ट कम हो गई है, यही वजह से कंपनी का जो मार्जिन है 35% जो क्वार्टरली ईयरली हर बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा नजर आता है। नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी घाटे से प्रॉफिट पे आ गई है 242 करोड़ रुपीज की, जो कि ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, तो 242 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट कर रही है कंपनी। यहाँ पर देखिए 150 करोड़ रुपए का क्या दे रही है, 150 करोड़ का इंटरेस्ट दे रही है, अगर 150 करोड़ का इंटरेस्ट नहीं दे रही होती तो यहाँ पर देखिए और ऐड हो जाते, तो कंपनी बेहतरीन और केवल बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है, तो इस चीज को हमें ध्यान देना होगा। ईयरली सेल्स देखिए, कंपनी की ईयरली सेल्स लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, फिर यहाँ पर 2019 के बाद कम हुई, और दोबारा यहाँ पर जब 2 मार्च कोविड के बाद से लगातार परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, और लगातार कंपनी हाईएस्ट एवर नंबर पेश कर रही है। क्या कर रही है, हाईएस्ट एवर नंबर, देखिए ऐसे नंबर्स अभी तक कभी नहीं आए थे पिछले 10-12 साल में। प्रॉफिट की बात करें, कंपनी के ऐसे प्रॉफिट पहले आए, ओके, पहले अच्छे खासे प्रॉफिट आए थे, अभी नहीं आ रहे, और अभी धीरे धीरे वो अपग्रेड हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बात करी थी, तो देखिए 887 से सीधे लगभग डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। टैक्स यहाँ पर प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट वो भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है, बीच में तो कंपनी घाटे में चल रही थी, बट अब लगातार देखिए कंपनी प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है, और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव सिग्नल है, इसे हमें चेक करना चाहिए। रिजर्व्स की बात करें, तो रिजर्व्स यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी के 2542 से यहाँ पर बढ़ते बढ़ते 3536 हो गया है, जो कि पिछले 2 साल पहले तो यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा था, समझ रहे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, अब देखिए यहाँ पॉजिटिव। बोरिंग की बात करें, कंपनी के पास लगभग देखिए कितने करोड़ की बोरिंग थी, 23,000 करोड़ की, 24,000, 25,000 करोड़ की, 32,000 करोड़ की बोरिंग थी, जो घटाते घटाते 5,000 करोड़ की बोरिंग पे ले आया है, तो कंपनी लगातार बोरिंग कम कर रही है। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन, ये यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल है। वर्किंग प्रोग्रेस में 395 करोड़ रुपीज लगे हुए है, और कंपनी ने अपने कुछ फिक्स एसेट थे वो यहाँ पर बेचते हुए नजर आए थे, और उसी से यहाँ पर बोरिंग कम कर रही है, उससे कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, और कंपनी को पता है कि पावर का बिजनेस कैसा है, तो पावर का बिजनेस चलना है, तो इसलिए कंपनी यहाँ पर ये सारे कदम उठाती हुई नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कैश की बात करें 393 करोड़ रुपीज का कैश है, तो कंपनी हर तरीके से अच्छे खासे यहाँ पर नंबर पेश कर रही है, कंपनी के नंबर लगातार अच्छे खासे आ रहे हैं, कंपनी ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट आ रही है। अब देखिए यहाँ पर 2007 में कंपनी का हाईएस्ट एवर पे यहाँ पर चल रहा था, और हम यहाँ पर भी देखते हैं, अगर हमारे पास एक अच्छा खासा डेटा है तो 2011 का डेटा निकाल लेते ये, तो 80% के आसपास का मार्जिन चल रहा था, ओके, 2013 में शेयर कहाँ चल रहा था, तो 2013 में शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा था, ये देखिए इस लेवल पे, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर दोबारा से अपग्रेड होता हो, जिस तरीके से नंबर आ रहे हैं, एक आध क्वार्टर के और नंबर आए ना, तो अच्छे खासे तरीके से शेयर भागेगा। और कंपनी यहाँ पर देखिए, इसने एक जैसे मार्केट गिरी थी, ये भी शेयर गिरता हुआ नजर आया, इसने भी यहाँ पर बॉटम क्रिएट कर लिया, देखिए हायर लोज, इसमें लोअर लोज लगते हुए नजर आए, तो चीजें नीचे आ रही थी, अब हायर हाईज भी लगते हुए नजर आ रहे, एक हाई यहाँ पर था, फिर इसके बाद हाई यहाँ लगा, अब हाई यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है, और चीजें ऊपर, तो देखिए अभी ऊपर से नीचे आई है चीजें, तो यहाँ पर देखिए एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आ रहा है, और बार बार यहाँ पर चीजें आके रुक रही है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये शेयर लिया है,
क्यों? क्योंकि इसी ये हायर हाइज लगाता हुआ नजर आ रहा है। अब भी यहाँ पर अगली जर्नी होगी, इसके ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पर आके रुकेगा। ओके, और यहाँ से यहाँ तक भी अगर हमें रिटर्न मिल जाते हैं आज के भाव के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पर कितने 60 से 17% के शेयर रिटर्न यहाँ पर मान लीजिए। और इससे पहले और जो जो चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं उसकी तरफ भी यहाँ पर गौर फरमा सकते हैं। राइजिंग वेज बनता हुआ नजर आ रहा है, तो चीजें अभी तो ऊपर जाती हुई एटलीस्ट मुझे नजर आती है, चीजें यहाँ पर रुक नहीं रही और बुक वैल्यू से काफी नीचे है शेयर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं ये शेयर में, तो अच्छे खासे रिटर्न मिलेगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट को अगर इसने क्रॉस कर दिया, इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है और इसे भी क्रॉस कर दिया, सीधा यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। और जो 16% के रिटर्न है वो हमारे रिटर्न बनेंगे 46% के। और यहाँ पर क्या बनेगा, ये सीधा का सीधा राउंडिंग बॉटम क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। ये राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर जाएगी और यहाँ पर रुकने नहीं वाली। मुझे अब लग रहा है कि ये शेयर अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर तो रुकी, यहाँ पर देखिए जिस दिन इस पर्टिकुलर लाइन को इसने क्रॉस कर दिया ना, ये जो पर्टिकुलर लाइन है 10 रुपए का लेवल, सॉरी 10 रुपए का, 10 रुपए 20 पैसे का लेवल है, तो चीजें यहाँ रुक नहीं रही, फिर चीजें यहाँ पर जाती हुई नजर आएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, इस चीज को अगर हम ध्यान देंगे तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। और यहाँ पर जो कैंडल बनी है ना, वो बता रही है कि भाई मैं ऊपर जा रही हूँ, नीचे नहीं रुक रही। तो आप अपने हिसाब से देखिए, मैं अपने हिसाब से देखूंगा। बट वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।